हे गाइस वेलकम टू डांस वीक्स। मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ऋतिक रोशन की मूवी काइट्स के फायर सॉन्ग का ये वाला स्टेप। ये स्टेप करने के लिए बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथनेस और लाउडनेस का कॉम्बिनेशन करना है। आपको ये तीनों चीजें ऐड करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। आप धीरे धीरे अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हो और ये मूव करते टाइम आपको बहुत ही स्मूथली करना है। अब ये स्मूथनेस कहाँ पे आएगा, जब अपने वे को ऊपर से नीचे ले जाओगे और फुटवर्क आपका स्मूथ हो, ठीक है। सो इस तरह से होता है। सबसे पहले यहां से ऊपर से वेव नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे वेव लाने के लिए आपको शोल्डर से शुरुआत करनी है और इसे नीचे लेके जाके पैरों तक पहुंचाना है। अब पैरों को हमें क्या करना है, एकदम लूज रखना है और पहले राइट लेग को पीछे लेंगे, ठीक है। तीन बीट हम लोग यूज करेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 3, ये पीछे रखा। अब क्या है, यहां पर अपने को वेट ट्रांसफर करना है धीरे से, तो इस तरह से होगा और लेफ्ट लेग ऊपर आएगा स्लोली। ये 1 2, ठीक है, इस तरह से मूव करना है। ये 1 फिर 2 फिर 3, ये लेफ्ट लेग उठा लिया, फिर पीछे रखा, फिर कंटिन्यू किया, ठीक है। सो ये बेसिकली ऐसा वाला मूवमेंट हम लोग को करना है और एकदम पैर को, घुटनों को और कमर को लूज रखना है, तो इस तरह से वेट इजीली वेव नीचे जा पाए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, अब कमर को आप लूज करके आप करोगे तो ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो कमर को इस तरह से मूव करना है, वेवी बनाना है पूरे बॉडी को, ओके। अब शोल्डर से हम लोग शुरू करेंगे। यहां पर भी हमें तीन बीट यूज करनी है, 1 2 3 फिर 1 2 3, ओके। राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये 1 यहां से शुरू किया, फिर पैर में जो कर रहे थे वही करना है। तो हम लोग का यहां से शोल्डर शुरू हो रहा है, इस तरह से हमको लेना है 1 2 3 1 2 3। सो आपके सर से, शोल्डर से शुरू होते होते वेव नीचे जा रही है और आपको पैर से, अपने टोज से उसको धीरे से स्लोली आपको लैंडिंग करनी है और इस तरह से वेट को स्मूथली ट्रांसफर करना है। अगर आप अपने वेट को स्मूथली ट्रांसफर कर पाओगे तो आपका वेव अच्छी तरह से नीचे तक पहुंचेगा, नहीं तो बाउंस लगने लगेगा। तो इस तरह से हम जा रहे हैं। अब टाइमिंग का क्या करना है, जब शुरू होता है तो शोल्डर पहले शुरू हो रहा है और पैर का बाद में हो रहा है। तो ये शोल्डर जब स्टार्ट होगा तब उसको पहले लेके जाना है, फिर पैर में स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से एक छोटा सा डीले है, ठीक है। तो पहले हम शोल्डर को शुरू करेंगे, उसके बाद जो म्यूजिक का बीट है उस पे पैर को टच करवाना है। तो जो काउंट होगा वो पैरों के ऊपर से काउंटिंग है। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और जब आप ये मूव को लाउडली करने लगोगे तो ये मूव और भी बेटर लगने लगेगा। अब टोपी और स्टाइल के साथ एक बार 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो इसे और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दो सो दैट आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। और कुछ और सीखना हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप डांसिंग। Yeah.